सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर मिड डे मील योजना चलाई गई थी, जिसका मकसद था बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके और बच्चे भी स्कूल आएं। लेकिन हरियाणा के अंबाला में यह योजना आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही है। आज भी कच्चा पक्का खाना गंदगी के आलम में पका रहा है। हमने अंबाला के कई स्कूलों का दौरा किया, जहाँ स्कूलों में बच्चों को कच्ची और जली हुई रोटियाँ खाने को दी जा रही हैं। अंबाला की उप जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिन स्कूलों की लापरवाही सामने आई है उन पर कार्रवाई होगी। इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि जिस भी स्कूल के बारे में आप बता रहे हैं, नसीरपुर स्कूल के बारे में और सिंगावाला स्कूल के बारे में, वहाँ बीओ को भेज के इस बारे में इंक्वायर किया जाएगा और जो भी इस चीज़ के लिए जिसका भी उत्तरदायित्व बनता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और मैं अगर समय मिलता है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अगर समय मिलते ही मैं भी इन स्कूलों को जरूर विजिट करूँगी। अंबाला से ज़ार टीवी न्यूज़ के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।